आरती को आरात्रिका या आरार्तिक और निराजन भी कहते हैं। पूजा के अंत में आरती की जाती है। पूजन में जो त्रुटि रह जाती है आरती से उसकी पूर्ति होती है। मंत्रहीनम क्रियाहीनम यत पूजनम हरे सर्वसंपूर्णतामेति कृति निराजने शिवे। पूजन मंत्रहीन और क्रियाहीन होने पर ही निराजन कर लेने से उसमें सारी पूर्णता आ जाती है। आरती में पहले मूल मंत्र के द्वारा 3 बार पुष्पांजलि देनी चाहिए और ढोल नगारे शंख घड़ियाल आदि महावाद्यों की ध्वनि तथा जय जयकार के शब्द के साथ शुद्ध पात्र में घी से या कपूर से विषम संख्या की अनेक बत्तियां जलाकर आरती करनी चाहिए। साधारणतः 5 बत्तियों से आरती की जाती है। इसे पंच प्रदीप भी कहते हैं। 1, 7 या उससे भी अधिक बत्तियों से आरती की जा सकती है। कुमकुम, अगर कपूर, चंदन, रुई और घी, धूप की 1, 5 या 7 बत्तियां बनाकर शंख, घंटा आदि बाजे बजाते हुए आरती करनी चाहिए। आरती के 5 अंग होते हैं। प्रथम दीप माला के द्वारा, दूसरा जलयुक्त शंख से, तीसरा धुले हुए वस्त्र से, चौथा आम और पीपल आदि के पत्तों से और 5वां साष्टांग दंडवत से आरती करें। आरती उतारते समय सर्वप्रथम भगवान की प्रतिमा के चरणों में उसे 4 बार घुमाएं, 2 बार नाभि देश में, 1 बार मुखमंडल पर और 7 बार समस्त अंगों पर घुमाएं। अंत में इष्ट देव को दीप दिखाने के साथ ही उनका स्तवन तथा गुणगान किया जाता है। तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सब जग की सुखदाता, सब जग की सुखदाता, वरदाता माता। जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब योगों